Hello student, I welcome you all to my YouTube channel Conquer Study Material. Student, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक की फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड, जो कि लिखा गया था जी एल फ्योर्ड्स के द्वारा. इनका जन्म हुआ था 17 नवंबर 1897 को एंड ही पासिस अवे फ्रॉम द अर्थ ऑन 10 दिसंबर 1966. ही वाज अ मैक्सिकन राइटर, पोएट एंड जर्नलिस्ट ऑल्सो. मैं सबसे पहले आपको टाइटल जस्टिफाई कर देती हूँ. अ लेटर टू गॉड. अ लेटर टू गॉड एक शॉर्ट स्टोरी है. जब हम टाइटल पढ़ रहे हैं अ लेटर टू गॉड, तो ऐसा कोई ईमेल एड्रेस या ऐसा कोई परमानेंट एड्रेस तो है नहीं जहाँ हम गॉड को एक लेटर लिख सकते हैं. सो इस वीडियो में, यानी कि अ लेटर टू गॉड एक शॉर्ट स्टोरी है जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह से लेंचो का फेथ है, बिलीव है टूवर्ड्स गॉड. स्टूडेंट, इसमें आयरोनी भी है और आयरोनी के साथ साथ ह्यूमर भी है. आयरनी का मतलब होता है कि जब आप इस वीडियो का एंड देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा फनी लगेगा और साथ में उसका अपोजिट भी. आपको ये पूरी वीडियो में समझ में आ जाएगा. सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी अ लेटर टू गॉड. ये पूरी स्टोरी डिपेंड करता है लेंचो पे. सो लेंचो का जो घर है एक बहुत ही ऊंची हिल पहाड़ी पे है, जहाँ पे किसी और का घर बिल्कुल भी नहीं है. वहां पे बहुत ऊंचे ऊंचे मैदान है और वहां पे पूरी फूलों की घाटी है. फूलों की घाटी को देख के ऐसा लग रहा था कि बारिश जस्ट अभी हो ही जाएगी. लेंचो जो है वो अपने खेत में काम कर रहा था और वो काम करने के बाद, पूरी फसल रोपने के बाद, वो बस वेट ही कर रहा था कि बारिश कब होगी. और एग्जैक्टली लेंचो को इतना ज्यादा विश्वास था कि बारिश हो ही जाएगी. सो उसके बाद लेंचो जो है वो अपने रूम में जाता है, और जब वो अपने रूम में जाता है जहाँ पे उसकी वाइफ खाना बनाती हुई रहती है, उसकी वाइफ बोलती है कि गॉड विलिंग, यानी कि अगर भगवान ने चाहा तो बारिश हो ही जाएगी. उसके बाद लेंचो की जो वाइफ है वो अपने बच्चों को खाना खाने के लिए बुलाती है. लेंचो के कुछ बच्चे काफी बड़े हैं तो वो खेत में काम कर रहे हैं, कुछ काफी छोटे हैं तो वो घर के बाहर बस खेल रहे हैं. जब भी लोग खाना खा रहे होते हैं तभी लेंचो की भविष्यवाणी जो है वो सही साबित होने के लिए पूरे आसमान में बादल जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं और रेनड्रॉप होना स्टार्ट होता है. लेकिन वो रेनड्रॉप जो था वो कोई नॉर्मल बरसात की तरह नहीं था, लेकिन लेंचो वर्षा का आनंद लेने के लिए घर से बाहर निकल के आया और खुशी के मारे चिल्लाने लगा, जैसे मानो कि वो बरसात नहीं बल्कि सोने के सिक्के ही उसके लिए बरस रहे हों. लेकिन जब वो बाहर आया तो जब उसने देखा कि रेनड्रॉप के साथ साथ एक बहुत ही मोटे मोटे बर्फ गिर रहे हैं, तो लेंचो ने कहा कि जो बड़े वाले सिक्के हैं वो 10 के सिक्के हैं और जो छोटे वाले जो बर्फ गिर रहे हैं वो 5 के सिक्के हैं. पूरी सेटिस्फेक्शन के साथ लेंचो जो है वो अपने मक्का वाले खेत को देखता है जिससे बस हल्की बारिश की जरूरत ही थी. लेकिन ये कोई नॉर्मल बारिश थी ही नहीं, क्योंकि बारिश के जगह पे यहाँ पे बर्फ गिर रहे थे, पूरा ओलावृष्टि हो रही थी. लेंचो ने कहा, वास्तव में मौसम खराब हो रहा है, मुझे आशा है कि ये बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी. वहीं दूसरी तरफ लेंचो के जो छोटे छोटे बच्चे थे वो इसी बर्फ में काफी ज्यादा आनंद ले रहे थे, क्योंकि उसको वो बर्फ लाइक अ मोती के टाइप का लग रहा था. आई होप आप लोगों ने मोती देखा होगा, तो जो बर्फ गिरता है वो बिल्कुल मोती की तरह ही लगता है. लेंचो के अकॉर्डिंग जो ओलावृष्टि हो रही थी ये बहुत ही जल्द खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. ये ओलावृष्टि करीबन 1 घंटे तक चला और ऐसा लग रहा था जैसे पूरे खेत में जितने भी प्लांट्स थे, बिल्कुल जितने भी ट्री थे, किसी भी ट्री पे एक भी लीव्स नहीं था. पूरा खेत जो है वो लाइक अ सी, जैसे सॉल्ट का ऊपर से परत आ जाता है, बिल्कुल उसी तरह से बिल्कुल व्हाइट चादर बिछी हुई थी. लेंचो को काफी ज्यादा बुरा लगता है, वो काफी ज्यादा उदास भी है. और लेंचो अपने पूरे क्रॉप का जो उसका फील्ड था उसके बीच में वो खड़ा था और वो अपने बड़े बेटे से कह रहा था कि इतना ज्यादा फसल खराब तो कोई लोकस भी नहीं करता है. फ्रेंड्स, लोकस का मतलब होता है, लोकस एक छोटे इंसेक्ट होते हैं जो एक ग्रुप में आते हैं, पूरी फसल को खराब करते हैं. लेकिन अकॉर्डिंग टू लेंचो अगर लोकस भी आते तो फसल को इतना बर्बाद नहीं करते जितना बर्बाद ये ओलावृष्टि ऑलरेडी कर चुका था. लेंचो पूरी रात सो नहीं पाया, वो यही सोच रहा था कि मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई, पूरा फसल बर्बाद हो गया, इस साल हमें भूखे ही रहना पड़ेगा, मैं अपने परिवार को आखिर कैसे चलाऊंगा. लेकिन लेंचो की पूरी फैमिली में सिर्फ लेंचो को ही पूरा होप था टुवर्ड्स गॉड कि उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो गॉड निकालेंगे. और इसी के लिए लेंचो क्या करता है, एक लेटर लिखता है. सारी रात लेंचो अपने एकमात्र सहारा डेट इज गॉड उनके बारे में सोचता है. लेंचो एक्चुअली में काफी ज्यादा मेहनती है, वो खेतों में बैलों की तरह काम करता है. बट इसके बावजूद भी लेंचो को इतना वो एजुकेटेड था कि वो पढ़ भी सकता था और वो लिख भी सकता था. सो फाइनली लेंचो ये डिसाइड करता है कि वो एक लेटर लिखेगा टू गॉड. सो फाइनली लेंचो जो है वो अपने लेटर में लिखता है कि डियर गॉड,
मुझे 100 पेसोज की जरूरत है क्योंकि उसका जो फसल है वो खराब हो चुका है। इस पूरी ईयर में लेंचो के पास उसकी फैमिली को खिलाने के लिए कुछ भी पैसे नहीं है। सो उसको दोबारा बीजा रोपण करने के लिए पैसों की जरूरत है और उसमें टाइम भी काफी ज्यादा लगेगा। सो इसीलिए लेंचो जो है वो लेटर में यही लिखता है कि उसको 100 पेसोज की जरूरत है। और नेक्स्ट संडे वो क्या करता है, पोस्ट ऑफिस जाता है और वहां पे वो ये लेटर ड्रॉप करके आ जाता है। पोस्ट ऑफिस का ही एक आदमी जो है वो वहां से लेंचो का लेटर को निकालता है और वो उसको पढ़ने के बाद उसको काफी ज्यादा हंसी आता है। नॉर्मली ये किसी को भी हंसी आएगा लेकिन लेंचो के लिए ये बहुत ही नॉर्मल था क्योंकि उसका ये बिलीफ था, फेथ था टुवर्ड्स गॉड। लेकिन ऑर्डिनरी पीपल के लिए ये काफी ज्यादा फनी मोमेंट था, किसी के लिए भी होगा। तो जो पोस्ट ऑफिस का जो आदमी था वो उस लेटर को पढ़ने के बाद वो काफी ज्यादा हंसता है और वो उस लेटर को लेकर के पोस्ट मास्टर के पास जाता है। और पोस्ट मास्टर जब इस लेटर को पढ़ता है तो स्टार्टिंग में उन्हें भी काफी ज्यादा हंसी आई थी, लेकिन उन्होंने अपने हाथ को टेबल पे डालते हुए उन्होंने ये बताया कि उनका फेथ कितना था लेंचो का टुवर्ड्स गॉड, और जिसकी वजह से पोस्ट मास्टर ये डिसाइड करते हैं कि वो लेंचो की हेल्प जरूर करेंगे। और जिसकी वजह से पोस्ट मास्टर ने क्या किया, अपने ही ऑफिस के कुछ मेंबर से और खुद अपनी सैलरी से और अपने कुछ फ्रेंड से सारे पैसे को उन्होंने इकट्ठा किया। लेकिन पोस्ट मास्टर के लिए भी 100 पैसेज को इकट्ठा कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि 100 पैसेज कोई छोटा मोटा अमाउंट था नहीं। सो पोस्ट मास्टर ने जब पैसे को कलेक्ट करना स्टार्ट किया तो पोस्ट मास्टर ने अप्रोक्स 70 पैसेज ही वो कलेक्ट कर पाए। उसके बाद पोस्ट मास्टर ने वो 70 पैसेज के उसी लेटर में लिख दिया और नीचे में उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ उन्होंने लिखा गॉड। संडे लेंचो जो है वो काफी जल्दी आ जाता है। आप देख सकते हैं कि लेंचो को कितना ज्यादा बिलीव है गॉड के प्रति, एकदम लेंचो को बिल्कुल भी ये अटपटा सा नहीं लग रहा है कि उसने एक लेटर लिखा है वो भी गॉड को, और उसको ये पूरा बिलीव है कि गॉड उसको वो पैसे देंगे। जिसकी वजह से लेंचो क्या करता है, टाइम से पहले ही वो पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है और वहां जाके वो पूछता भी है पोस्ट मास्टर से कि क्या मेरे नाम पे यहाँ पे कोई लेटर आया है। पोस्ट मास्टर ने क्या किया, लेटर निकाल करके लेंचो को दे दिया। लेंचो ने उसको खोला और वहां पे उसने देखा कि वहां उसमें सिर्फ और सिर्फ 70 पैसेज ही थे, जिसकी वजह से लेंचो को काफी ज्यादा गुस्सा आया। और उसके बाद उसने तुरंत दूसरे ऑफिस में वो गया और वहां से वो पेपर और पेन लिया और वो फिर से एक लेटर वो लिखना स्टार्ट कर देता है टू गॉड। और उस लेटर में उसने ये लिखा है कि मैंने आपसे 100 पैसेज मांगे थे, 70 पैसेज में मेरी फैमिली का गुजारा नहीं हो पाएगा। और उसके बाद लेंचो ने उस लेटर में एक लाइन और ऐड किया कि जब आप मुझे बाकी ये बकाया रकम जब आप मुझे भेजें तो प्लीज ईमेल से मत भेजना, यानी कि पोस्ट ऑफिस से मत भेजिएगा क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो पैसे ले लेते हैं। क्योंकि लेंचो को ये पूरा विश्वास था कि गॉड ने लेंचो को 100 पैसेज ही भेजे होंगे, रेस्ट ऑफ द 30 पैसेज जो थे वो पोस्ट ऑफिस के लोग निकाल लिए होंगे। तो मैंने आपको कहा था कि पूरी जो शॉर्ट स्टोरी है अ लेटर टू गॉड, इसमें आयरोनी भी है। सो फ्रेंड्स, इसमें आयरोनी यही है कि लेंचो को बिल्कुल भी जरा सा भी अटपटा सा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो एक लेटर लिख रहा है वो भी गॉड को, और उसको ये पूरा विश्वास भी है कि उसको 100 पैसेज आएंगे भी। सो ये काफी लोगों के लिए एक फनी मोमेंट भी है, ह्यूमर भी है, बट लेंचो के लिए ये काफी ज्यादा बिलीव वाली बात थी कि उसको गॉड के प्रति इतना ज्यादा ट्रस्ट था, इतना ज्यादा बिलीव था। सो जैसे ही लेंचो जो है वो अपना सेकंड लेटर गॉड के लिए लिखता है और साथ में उसमें जैसे ही उसने लिखा कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजना क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो पैसे निकाल लेते हैं। सो इसी के साथ ये पूरी शॉर्ट स्टोरी जो है वो खत्म हो जाती है।